तो इसका क्वेश्चन नंबर फोर हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल्स वन इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू के. क्या कह रहे हैं, के की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर जो सोल्यूशन अगर इस इक्वेशन का अगर एक्स इक्वल टू करने पर वाई बराबर रखने पर अगर ये इक्वेशन का सोल्यूशन एक्स वाई की वैल्यू रखने पर तो बताइए के की वैल्यू क्या है. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जो वैल्यू एक्स और वाई की भी है एलएचएस में जहाँ जहाँ एक्स वाई दिया है उसको पुट करते हैं और पुट करने के बाद के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स के. हमें करना क्या है, चूंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एंड वाई इक्वल्स वन इन द एबव इक्वेशन ओके क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू जो दिया हुआ इस इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट कर लेते हैं, टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन इक्वल्स के, टू टू जा फोर प्लस थ्री वन जा थ्री इक्वल्स के. इट मीन्स सेवन इक्वल्स के. इट इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू क्या आ गई, सेवन आ गई. देयरफॉर क्या होगी, के की वैल्यू यहाँ पे सेवन आ गई. ये फाइंड करना था. हेंस वैल्यू ऑफ के इज सेवन. ओके ये क्या हो गया, के की वैल्यू होगी सेवन. सो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हम इसे क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. हमेशा याद रखिएगा किसी गिवन पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर अगर एलएचएस आरएचएस को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स वो इसका सोल्यूशन होगा. अगर मैं चेक करके यहाँ बता सकता हूँ, अगर इसको चेक करना है क्या ये सेवन वैल्यू सही है, तो चेक करने का तरीका क्या है, चेक कर लेते हैं. एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू वन रखते हैं एलएचएस में. अगर एलएचएस इक्वल्स आरएचएस आ जाता है ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू टू है और वाई की वैल्यू वन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके एक्स एलएचएस देख लेते हैं, एलएचएस क्या आपका एलएचएस इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई. एलएचएस क्या है, टू इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी टू थी और थ्री इंटू वन टू टू जब फोर प्लस थ्री एट की सेवन. सेवन क्या किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर. आरएचएस कितना आया हमारा सेवन आया ठीक है, कि एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया. देयरफॉर अब क्या आ जाएगा, टू माइनस वन जो टू प्लस वन जो हो जाएगा ये सोल्यूशन हो जाएगा इसके इक्वेशन का, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके ये इसका पार्ट नहीं है, बस मैंने क्या बताया चेक करने का तरीका बताया है कि क्या किसी कोई वैल्यू इसके सोल्यूशन है कि नहीं. जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री में था आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है गिवन पॉइंट गिवन वैल्यू रखने पर एक्स वाई की देयरफॉर दिस वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. और के की वैल्यू निकालनी होती है तो सिमिलर वाई सिंपल फॉर्म लगाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है उस वैल्यू को पुट करके हम के की वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हैं. ओके अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा, जो भी क्वेश्चन आपको मैं समझाया हूँ अच्छे समझ में आया होगा. और अब इस बेसिस पे आप कर सकते हैं क्या, इस बेसिस पे आप क्वेश्चन को लगाते रहिएगा. ओके थैंक यू, जय हिंद.